कुकर्मी रसीद खान के घर आज योगी बाबा का बुलडोजर भी चल गया। अयोध्या के भदरसा नगर पंचायत अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी का नेता रसीद खान ने 12 वर्षीय किशोरी के साथ जो कुकर्म किया था उसका दुष्परिणाम आज योगी सरकार की पुलिस ने, प्रशासन ने उसे फलित कर दिया। रसीद का गिरते हुए मकान को देखने के लिए आस पड़ोस की भीड़ लगी रही और लोग यह देखने के लिए आतुर थे कि आखिर कैसे रसीद, जो पहुंचा हुआ नेता माना जाता था, समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का खासम खास चेला माना जाता था, उसका घर कैसे गिर रहा है, यह देखने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। तमाम लानत मलानत के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी आज ट्वीट कर इस घटना के आरोपी रसीद खान का डीएनए जांच कराने की मांग की। कहा कि डीएनए जांच कराई जाए, उसमें यदि आरोप सही साबित हो तो कानून के तहत कार्रवाई की जाए, ये डीएनए जांच गलत हो तो दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि पीड़ित लड़की जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसके पक्ष में अखिलेश यादव का अब तक एक भी बयान सामने नहीं आया था। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने जिसकी साथ फोटो वायरल हुई थी उस रसीद खान को तो पहचानने से ही इनकार कर दिया था। वह लगातार कहते रहे नहीं पहचानते।